नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को रिसेंट करंट अफेयर और मैनी अपडेट यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं डिस्कशन करूंगा रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ से। अभी अभी फिलहाल जो एक रिक्रूटमेंट नोटिस निकल के आया है, उस रिक्रूटमेंट नोटिस में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 138 नंबर ऑफ पोस्ट है। आप लोग देख सकते हैं ये पोस्ट जो है हाउसकीपिंग असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग हॉस्पिटल असिस्टेंट और एंड अदर्स वेरियस कैटेगरीज में आप लोगों का ये पोस्ट डिवाइड किया हुआ है। आप लोगों को ये डिटेल्स, आप लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना मिलेगा, कब आप लोगों को कैसे अप्लाई करना होगा, कि आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप लोगों का एज लिमिट कितना है, ये सब के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहने के लिए। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को ऑफिशियल जो नोटिस है वो दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये नोटिस आया है नॉर्थन रेलवे की तरफ से। ये नोटिस आप लोगों का है, इसमें आप लोगों का लिखा हुआ है कि आप लोगों का कोई रिटेन एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट आप लोगों का वॉक इन इंटरव्यू होगा। वॉक इन इंटरव्यू में आप लोगों का टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कौन सा कैटेगरी में कौन सा पोस्ट है, आप लोगों में नाम कौन सा कैटेगरी कौन सा है, ये आप लोगों का मैं अभी बता दूंगा। तो आप लोग देखिएगा टोटल आप लोगों का है सीएमपी, मतलब सीएमपी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल पेटिशनर। आप लोगों का ये मेडिकल का जॉब है, सो ये आप लोगों का एमबीबीएस आई होगा। अगर आप लोगों का कोई फ्रेंड्स है, कोई रिलेटिव है होगा तो आप लोग इस की वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हो, इस नोटिस को आप लोग उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। ये सीएमपी में वन और सीएमपी टू, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों का स्पेशलिटी आप लोगों का दिया हुआ है सीएमपी तक, मतलब आप लोग का एमबीबीएस जो डॉक्टर होगा उसका जो स्पेशल जो ब्रांच होगा उसका आप लोगों को दिया हुआ है। इसमें आप लोग टोटल 20 नंबर ऑफ पोस्ट है और ये आप लोग है एनसीआरएच माने हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में आप लोगों का ये पोस्टिंग होगा। और इसके बाद आप लोग जो देखेंगे यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ और वार्ड्स एंड सपोर्टिंग स्टाफ, और सपोर्टिंग वार्ड स्टाफ के लिए भी रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। टोटल आप लोगों में इसमें देखिएगा नर्स का रिक्रूटमेंट है, उसके बाद मल्टीपर्पज हॉस्पिटल असिस्टेंट है, उसके बाद हाउसकीपिंग असिस्टेंट है और हॉस्पिटल असिस्टेंट आप लोगों का यहाँ पर निकला हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर नर्स के लिए टोटल जो वैकेंसी निकला हुआ है उसमें 40 नंबर्स ऑफ वैकेंसीज है, मल्टीटास्किंग असिस्टेंट हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए 30, हाउसकीपिंग असिस्टेंट के लिए 30 नंबर ऑफ वैकेंसीज निकला हुआ है, और आप लोगों का हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए आप लोग ये 8 टोटल 8 रिक्रूटमेंट वैकेंसी निकला हुआ है। तो ये सब आप लोगों का हॉस्पिटल में होगा, न्यू दिल्ली के हॉस्पिटल में होगा, एनसीआर हॉस्पिटल में। सो आप लोगों को इसके लिए जो कौन सा कैटेगरी में SC ST में बा रिजर्वेशन में कितना कैटेगरी कौन सा कैटेगरी में कितना पोस्ट खाली है ये आप लोगों को दिखाया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 138 नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है। सो आप लोगों को फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ये इंटरव्यू होगा, इसमें कोई रिटेन एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट आप लोगों का वॉक इन इंटरव्यू होगा। तो इसके लिए आप लोगों को कौन सा कहाँ पर इंटरव्यू जाना पड़ेगा, कौन सा वेन्यू में आप लोगों का इंटरव्यू होगा, कौन सा टाइम में इंटरव्यू होगा, कौन सा डेट में इंटरव्यू होगा, इसमें इस लिस्ट में आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप लोगों को 1 तारीख मैंने जुलाई के 1 तारीख से आप लोगों को 3 तारीख तक इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जुलाई 1 तारीख टू 3 तारीख से आप लोगों का क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का 10 बजे से 4:30 तक आप लोगों का, 10:30 बजे से 4:30 तक आप लोगों का क्या होगा, ये होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा, ऑडिटोरियम नॉर्थन रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली नॉर्थन रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में जो है उसमें, वहाँ पर आप लोगों का 1 तारीख से 3 तारीख तक आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आप लोगों को एक नीचे इस एप्लीकेशन में ही एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा फिलअप करके, और ये फॉर्म आप लोगों को कितने बजे तक लेके जाना पड़ेगा, 9 बजे के पहले ही आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जो आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इस जो एडवर्टाइजमेंट है उसके नीचे ही दिया हुआ है, मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूंगा। तो वो उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके जिस दिन आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस दिन आप लोगों को 9 बजे के पहले ही आप लोगों को लेके जाना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को 1 तारीख से, जुलाई के 1 तारीख से 3 तारीख तक आप लोगों का क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एप्लीकेशन जो है सिक्योरिटी करेगा वो सब करेगा। उसके बाद 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख इस यहाँ इन लोगों आप लोगों का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कौन सा कौन डेट में आप लोग देखिए, 6 तारीख में आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल पेटिशनर का आप लोग क्या होगा इंटरव्यू होगा, उसके लिए भी आप लोग का वेन्यू है आप लोगों का ऑडिटोरियम नॉर्थन रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली आप लोगों का ये वेन्यू है। आप लोग टाइम दिया हुआ है 10:30 बजे से 7:30 बजे तक इस तरह। उसके बाद नर्सेस का इंटरव्यू होगा 7 तारीख को, वेन्यू सेम है नॉर्थन रेलवे हॉस्पिटल में आप लोगों का होगा। उसके बाद 8 तारीख को आप लोगों का हॉस्पिटल असिस्टेंट, हाउसकीपिंग असिस्टेंट और हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो पोस्ट टोटल निकला हुआ है उसके लिए आप लोगों का ये
सेंट्रल नॉर्थन रेलवे हॉस्पिटल में ही आप लोगों का क्या होगा, इंटरव्यू होगा, वो 10:30 बजे से 7:30 बजे तक। और आप लोगों को देखना पड़ेगा यहाँ पर कितना सैलरी कितना होगा। सैलरी आप लोगों का देखिएगा हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए मिनिमम 18,000 प्लस अदर अलाउंसेस। ठीक उसी तरह मल्टी टास्किंग असिस्टेंट और हाउसकीपिंग असिस्टेंट के लिए 18,000 और अदर अलाउंसेस। नर्सेस के लिए 44,900 प्लस अदर अलाउंसेस। उसके बाद CMPS मतलब आप लोगों का MBBS जो कैटेगरी में होगा उसमें आप लोगों को 75,000 और 95,000 आप लोगों को सैलरी मिलेगा। और इसके लिए आप लोगों का दिखा दिया हुआ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को जनरल जो आप लोगों को CMPS के लिए आप लोगों को बता दिया कि MBBS चाहिए होगा। और नर्सेस के लिए आप लोगों का BSc नर्सिंग बा अगर आप लोगों ने सर्टिफिकेट किया हुआ है मेन नर्स और मिडवाइफरी का जो एक सर्टिफिकेट रहता है 3 ईयर्स का वो अगर किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मल्टीटास्किंग के लिए, हाउसकीपिंग असिस्टेंट के लिए और हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए आप लोगों को सिर्फ मैट्रिक पास होने से ही आप लोगों का हो जाएगा। क्लास 10th अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो आप लोगों को ये 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें टोटल 78 नंबर ऑफ पोस्ट है। लास्ट के मल्टीटास्किंग, हाउसकीपिंग असिस्टेंट और हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए 78 के जो पोस्ट होगा उसमें आप लोगों को सिर्फ 8 क्लास 10 आप लोगों का किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने बता दिया कि कौन सा डेट में कब से कौन सा वेन्यू में आप लोगों का इंटरव्यू हुआ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया। तो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म में अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको फिलअप करना है। फिलअप करके 1 से 3 तारीख तक जो ये डॉक्यूमेंट रिजेक्शन हुआ उसके दिन आप लोगों को ये फॉर्म लेके जाना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करके फिलअप करके लेके जा सकते हो अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड हो तो। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, आप लोगों को फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो इतना ही रखता हूँ, थैंक यू।